हेलो एवरीवन सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिसकनेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ वन मार्क्स स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इन वॉज एडिशन ऑफ क्लोरिन इन एन अमाउंट सफिशियंट टू कितना सफिशेंट होना चाहिए ताकि आप ब्रेक पॉइंट क्लोनेशन में पहुँच सके फर्स्ट है रिएक्ट विथ अमोनिया एंड रेडीली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर सेकेंड किल गारिस्ट थर्ड रिएक्ट विथ इनऑर्गेनिक मेटर थर्ड रिड्यूस बैक्टीरिया ग्रोथ ऑफ फिल्टर्स तो जो क्लोरिन क्लोरिन है वो किससे रिएक्ट करता है आई एम एम तो ये हो गया आयरन मैग्नीस अमोनिया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये जो है अमोनिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे रिएक्ट करने के बाद तो इनसे कब रिएक्ट करेगा जब इससे रिएक्ट करेगा तभी इससे रिएक्ट करेगा ना सो तब जब तक इतना रिएक्ट करेगा तब तो उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा ब्रेक पॉइंट क्लोनिशियन में पहुंच जाएगा सो ए इज दी करेक्ट आंसर रेडिली एक्सोडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या ये है. तो है, ये है ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमोनिया तो डायरेक्टली है ठीक है नेक्स्ट पैथोजन आर यूजुअली रिमूव्ड बाय ये किससे रिमूव होते हैं ये आपका केमिकल प्रसिप्टेशन सेडिमेंटेशन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट क्लोरिनेशन सो डी इज द करेक्ट आंसर क्लोरीनेशन से ही पैथोजेंस को रिमूव किया जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एमोंग द फॉइंग डिसइनफेक्टेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर द वन ऑफ दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं डिसइनफेक्टेंट्स के लिए क्लोरीन डाइऑक्साइड क्लोरीन ओजोन यू डिस्ट्रीब्यूशन सो मोस्ट कॉमनली हम क्लोरिन को यूज करते हैं ज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट द डिसइंफेक्टेंट एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट जो डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट वो किस पर डिपेंड करता है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पीएच वैल्यू, पीएच पी एच डिपेंड करता है क्या हाँ ऑब्वियसली करता है डिफिशियंसी ऑफ क्लोरीन एफिशंसी ऑफ क्लोरीन जैसे HOCl है इसका क्या होता है वन 1, by 1 plus k प्लस H+ के क्या होता है यह आपका पीएच पर डिपेंड करता है ना मतलब एच ओसीएल पीएच डिपेंड करता है और एचपीएस एच क्या है एज अ डिस है सो डिसेक्टेंट पीएच पर डिपेंड करता है तो ये रॉन्ग हो गया इज इंक्रीज इंक्रीज बाय रिमेंस रिमेंस तो नहीं होता या तो इंक्रीज होता है इज सो so या तो इंक्रीज होता है इंक्रीज बाय इंक्रीज पीएच वैल्यू या इज रिड्यूस बाय इंक्रीज पी एच वैल्यू सो दोनों में से कोई एक हो सकता है इंक्रीज पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इसके करस्पॉन्डिंग सो so आपका एफिशियंसी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा ये चेक करते ओके ठीक है सो एच प्लस क्या है ये आपका माइनस लॉग ऑफ एच प्लस सो एच प्लस आपका अच्छा यहां पर पी एच का बोला है तो यहां पर ये इनडायरेक्टली एच प्लस को हम increase decrease को decrease so इंक्रीज किए इसको डिक्रीज करते हैं सपोज एच प्लस को डिक्रीज किए सो पी एच वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा और यहां पर पीएच को एच को डिक्रीज किया ये इंक्रीज होगा ये इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा मतलब एच क्या हुआ डिक्रीज हो गया मतलब पीएच के इंक्रीज करने से एच डिक्रीज हो रहा है मतलब इज उसका एफिशियंसी इज रिड्यूसड बाई इंक्रीज पीएच वैल्यू सो डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इन डिस इन्फेक्शन विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव इन क्लीनिंग पैथोजन बैक्टीरिया मोस्ट इफेक्टिव क्लोरीन में क्या रहते हैं आपका किसके कारण डिस इन्फेक्टेंट क्या रहता है एच ओसीएल और ओसीलाइनस एच ओसीएल है ना वो एच ओसीएल है वो एट्टी टाइम्स मोर पावरफुल है देन ओसीएल माइनस सो मोस्ट इफेक्टिव क्या हुआ वो आपका एच ओ सी एल हो जाएगा सो डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है एन एनेब्लिकली ट्रीटेड एफ्लुएंट हैज एमपीएन ऑफ टोटल कॉलिफॉर्म एज टू पर सिक्स पर हंड्रेड एम एल आफ्टर क्लोरिनेशन आफ्टर क्लोरीनेशन तो ये इनिशियल बोला है मतलब ये एन नॉट दिए आफ्टर क्लोरीनेशन द एमपीएन वैल्यू डिक्लाइंस टू टेंट पर हंड्रेड

ठीक है ये हो गया अब ये क्या हो जाएगा वन माइनस टेन टू पावर टेन पावर माइनस फोर इंटू ये आपका ठीक है इंटू हंड्रेड ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस टेन पावर माइनस वन ये हो गया है ना परसेंटेज इंटू कर दिए तो जाएगा हंड्रेड माइनस पॉइंट जीरो वन ये क्या हो जाएगा पॉइंट नाइन नाइन हो गया पॉइंट नाइन सॉरी ये आपका नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन हो जाएगा है ना ये आपका 99.99 .99, तो इसमें कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी साइंटिफिक कैलकुलेटर का ठीक है तो इसमें 99.99 .99 या तो ये है या ये दोनों में से एक है अब लॉग रिमोल निकालना है लॉग रिमोल क्या होता है लॉग ऑफ एन नॉट लॉग लिख रहे हैं लॉग मतलब बेस टेन और लॉग ऑफ सॉरी लॉग ऑफ एन तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टेंट पिक्स माइनस लॉग ऑफ टेंट पॉवर टू तो ये क्या हो जाएगा लॉक टेन ऑफ टेंस क्या हो जाएगा ये सिक्स हो गया लॉक टेन ऑफ ये 2 हो गया टेंस माइनस टू डेट इज फोर इन दोनों में फोर कौन सा ये तो सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग क्लोरिनेशन प्रोसेस एक्वेस्ट क्लोरिन रिएक्ट्स रैपिडली विथ वाटर टू फॉर्म सी एल माइनस एच ओ सी एल एंड एच प्लस एच शोन बिलो द मोस्ट एक्टिव डिस इन्फेक्टेंट इन द क्लोरिन प्रोसेस फ्रॉम द अब फ्रॉम अब फॉलोइंग इज इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है क्लोरनेशन के लिए तो मोस्ट इफेक्टिव क्या है एचओ सी एल सो एचओ सी एल इज द करेक्ट आंसर सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था थैंक यू वेरी मच